मोटरसाइकिल आ रही थी। एक मिनट बस। आगे बढ़ के आगे सीट खाली है। मोबाइल तो मेरा में मत, ये लाइव फ्रेम जा रहा है। बोल के शोर ज्यादा दूर हो तो बहुत थोड़ा देर है। पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल गैस का दाम जिस तरह से बढ़ा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार जनता झेल रही है, आप लोग जानते हैं। यही बीजेपी के लोग जो है पहले गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। आज महंगाई जो है इनकी भौजाई लगी हुई है, इसलिए हम सब लोग जो है जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई है, आज आम जनता का जो है कमर तोड़ दिया गया है। और ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का एक मेन मकसद ये भी था कि किसानों पर किसी ना किसी प्रकार से तंग किया जाए, उन पे हमला किया जाए। और ये आम आदमी से लेकर के देश ऐसे ही जो है बेरोजगारी का केंद्र होता जा रहा है, और ऊपर से जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, इसमें आम लोगों का जीना जो है या घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। उसलिए हमने पहले भी कहा था, ये भाजपा के लोग जो है उस चुनाव आता है तो प्रचार करते हैं कमर तोड़ महंगाई है और इसको जो है हम लोग जो है कम करेंगे, लेकिन कम करने के बजाय जो है लगातार समय समय पर जो है बढ़ाया जा रहा है। और वो तब जब कच्ची तेल जो प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, तो जिस हिसाब से बिहार सरकार ने भी टैक्स बढ़ा दिया, यहाँ के भी लोगों ने टैक्स बढ़ाया है, मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं रहता, इस पे जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो इस हिसाब से जो आम जनता की जो तकलीफें हैं उसको लेकर के सिम्बोलिकली रूप से जो है आज हम लोग जो है हमने ट्रैक्टर भी चलाया। आज जो है सेंचुरी लग जाएगा क्या तेल के दाम का? नहीं नहीं, लगभग तो कई जगह हो ही गया है। चलिए चलिए, बिहार में कई जगह देखिएगा, कई जिलों में सेंचुरी लग चुका है।